हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं पेपर RIP फ़ोटो एडिटिंग, जो कि आपको थंबनेल पे दिखने को मिल रहा होगा। तो आज हम लोग उसी टाइप की फ़ोटो एडिट करेंगे तो आज हम लोग उसी टाइप की फ़ोटो एडिट करेंगे और कैसे करेंगे, चलिए आप लोग को बताते हैं। और जो भी मैं बैकग्राउंड PNG यूज़ करूँगा, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप भी उसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है फ्री में, तो इंस्टॉल कर लेना और उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद पिक्सआर्ट ओपन करने के बाद इस बैकग्राउंड को आप लोग को ऐड कर लेना अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में, जो कि मैं ऐड किया हूँ। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे इफ़ेक्ट वाले टूल्स में जाने के बाद ब्लर वाले इफेक्ट में जाएंगे। ब्लर वाले में जाने के बाद इसमें ब्लर को क्लिक करेंगे, इस पर डबल टैप करेंगे और ब्लर को हम लोग कर देंगे, रखेंगे ब्लर रखेंगे हम लोग 7। 7 करने के बाद इसको कर देंगे डन। देखिए, इतना करने के बाद अब इसके बाद हम लोग चलेंगे ऐड फोटो में, करेंगे ऐड फोटो टूल्स में जाते हैं, यहाँ से अपने मॉडल को ऐड करते हैं जो फ़ोटो एडिट करना है। देखिए, ये वाला पिक हम लोग एडिट करने हैं, इस वाले को। तो मैंने इसको शूट किया था और इसको कट करके मैं इस फ़ोटो को निकालना हूँ, तो आपको भी फ़ोटो को कट आउट करके निकाल लेना है, जिस तरह से आप पोज देने के करना चाहते हैं। तो मैं इस पहले से कट करके निकाल चुका हूँ, तो इसको इतना करने के बाद इसको भी करते हैं हम लोग डन। डन कर देते हैं, इतना तक हो गया। फिर इसके बाद हम लोग एक PNG हम लोग यूज़ करेंगे इसमें, जो पेपर रिप का है। तो इसके लिए हम लोग को चलना पड़ेगा इसमें स्टिकर्स वाले टूल्स में जाते हैं, इसमें स्टिकर वाले टूल्स में जाते हैं। तो इसमें हम लोग सर्च करते हैं पेपर रिप। इतना सर्च करने के बाद देखिए, नेट स्लो थोड़ा सा पेन हो जाता है। इतना ये सर्च करने के बाद हम लोग ये वाला रहा, ये इसको हम तो ये देखिए, हम लोग PNG इसको ऐड कर लिए हैं। तो यही वाला PNG आप लोग को भी ऐसे कर लेना है, इसका साइज छोटा कर लेते हैं थोड़ा से। इतना करने के बाद हम लोग इसको कर देंगे डन। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं इस वाले टूल्स में जाते हैं और यहाँ पे एडजस्टमेंट में जाते हैं। यहाँ में जाने के बाद इसका सेचुरेशन में जाते हैं, सेचुरेशन कर देंगे हम लोग -100। फिर इरेजर वाले ऑप्शन में जाते हैं, इरेजर वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से हम लोग इरेज का ब्रश को सेलेक्ट करेंगे, इसको करके यहाँ पे ऊपर के इस पार्ट को हम लोग करेंगे अच्छे से इरेज। इतना इरेज करने के बाद इसको कर देना है डन। देखिए, हमारा हो चुका है फोटो अच्छे से एडिट। अब चलते हैं हम लोग लाइटरूम एप्लीकेशन में, इसको थोड़ा से कलर को मैच वैच करेंगे। तो चलिए लाइटरूम एप्लीकेशन में चलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग लाइटरूम एप्लीकेशन में आ चुके हैं, अपने पिक को इसमें ऐड कर चुके हैं। तो चलिए अब इसको एडजस्टमेंट करते हैं, इसका कलर ग्रेडिंग करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को जाना है लाइट वाले टूल्स में, इसमें जाने के बाद नीचे ब्लैक कर देंगे हम लोग -41 एंड वाइट को भी कर देंगे -40। इतना कर बाद शेडो को करेंगे थोड़ा से कम -20 एंड हाईलाइट को करेंगे कम, इसको कर देंगे -51 एंड कंट्रास्ट को 10 कर देंगे। इतना करने के बाद हम लोग को इतना डन करना है। इसके बाद हम लोग को जाना है इस कलर्स वाले में, इसमें जाने के बाद हम लोग को वाइब्रेंस कर देंगे 4 एंड सेचुरेशन कर देंगे 4। इतना करने के बाद फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे इसमें कलर्स वाले में, इसमें जाने के बाद हम लोग को करना है रेड वाले को कर देंगे हम लोग, रेड वाला सेचुरेशन करेंगे हम लोग -10 एंड ऑरेंज वाले का भी सेचुरेशन -10।
इतना करने बाद इसको कर देंगे डन। इसके बाद विगनेट में जाते हैं हम लोग। इसमें जाने बाद इतना इसका विगनेट को हम लोग थोड़ा सा कर देंगे कम, कर देंगे -30 एंड क्लियरिटी कर देंगे 10। इतना यहाँ तक अभी इसको करते हैं डन। अब इसके बाद शार्पनिंग में जाते हैं, शार्पनिंग करेंगे 20 एंड नॉइस रेडुएशन करेंगे 10 एंड कलर नॉइस रेडिएशन को भी करेंगे 10। यहाँ तक करते हैं इसको भी डन। अब इसके बाद चलते हैं कलर्स वाले में, इसको कलर ग्रेडिंग करते हैं। तो कलर्स ग्रेडिंग में जाने के बाद हम लोग चलते हैं तीसरे वाले नंबर पे हाईलाइट में। हाईलाइट में जाने के बाद इसको यहाँ पर लाके येलो पे लाके हम लोग को करना है इसका सेचुरेशन करेंगे हम लोग 10। फिर हम लोग मिड टोन में जाते हैं, मिड टोन को लेके हम लोग इस पे जाते हैं ब्लू वाले पे जाते हैं। ब्लू वाले का सेचुरेशन हम लोग करेंगे, इसको कर देंगे 50। इसके बाद हम लोग जाएंगे शैडो वाले में, शैडो वाले को लेके हम लोग करेंगे यहाँ पे, इसका करेंगे हम लोग सेचुरेशन 10। इसके बाद हम लोग करते हैं इसको डन। तो हमारा फोटो हो चुका है पूरा बिल्कुल अच्छी तरह से एडिट। देखिए बिफोर एंड आफ्टर कलर ग्रेडिंग किए हुए, देखिए बिफोर आफ्टर। आप भी ऐसे ही अपने फ़ोटो को अच्छे से एडिट कर सकते हैं, न्यू ट्रेंडिंग फ़ोटो एडिटिंग है, तो ऐसे ही आप लोग भी करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।